अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। यदि आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके इस मदद से ही मेरा चैनल चल पाएगा। वहीं अगर आपको और किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब शुरुआत करते इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन से। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम सैंड्रा को देखते हैं, जिसकी दिमागी हालत अब कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिसके तुरंत बाद वो सीधे शहर के चर्च जाती है, जहाँ चर्च के फादर उसे इस शहर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि इस पवित्र नगर पर हमेशा से ही की बुरी नजर रही है। पर पता नहीं सैंड्रा को क्या हो जाता है कि वो वहीं रखे वाइन कप से उन्हें घायल करके उनकी बुरी तरह से जान ले लेती है, और उनकी लाश को देखकर ईवल स्माइल देती है। फिर वो उस वाइन कप को अपने साथ लेकर निकल जाती है। वहीं शेल्टर हाउस के बाहर सोफिया से हली जाकर मिलता है और उसे खबर करता है कि उसकी माँ ठीक है और उसे मानी से मिलना चाहिए। जिसके बाद हम मानी को देखते हैं जो बाइक से जंगल में बने एक घर पर आता है, जहाँ पर हम सैमुअल और स्नोफ्लेक को भी देखते हैं, और वहीं पर एक सफेद बालों वाली बिना कपड़ों के लेटी एक लेडी नेम ब्लैंका उसे कुछ बता रही थी, जिससे ब्लैंका के गले में एक रोशनी चमकने लगती है। उधर पुलिस स्टेशन में गुलेन खदान की सीसीटीवी फुटेज को फिर से चेक कर रहा होता है, जहां इस बार वो नोटिस करता है कि उस सुरंग से 24 लोग बाहर आए थे पर उन्हें सिर्फ 23 लोगों की लाश मिली। फिर वो एक लेडी की तरफ इशारा करता है और हलीद से उसके बारे में पूछता है, पर हलीद जवाब देता है कि वो उसे नहीं पहचानता, पर तभी वो उनमें से अपने भाई को पहचान लेता है, यानी कि अब वो नहीं रहा। इसलिए वो गुलेन से अपने भाई का अंतिम संस्कार इसी टाउन में कराने की विनती करता है, क्योंकि हलीद और उसका भाई इस शहर से नहीं है। फिर गुलेन उसे पैसे देता है ताकि वो यही रह सके जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो जाए। अब देखते ही देखते अगले दिन तक फेरिया शहर में बहुत से न्यूज रिपोर्टर का जमावड़ा हो जाता है, जहाँ सभी उसी घटना की रिपोर्टिंग कर रहे थे, और वहीं पर राहुल के दुकान पर शहर के लोग टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उस सामूहिक आत्महत्या के पीछे कल्ट ऑफ लाइट के बहकावे में आने से हुआ है, जिसके गुरु एलिना और पाब्लो ही थे। उधर शेल्टर में ईवा टीवी पर अपने माता पिता की ऐसी न्यूज देखकर और दुखी हो जाती है और सोफिया को मानी से मिलने के लिए मना करती है, पर सोफिया को टीवी चैनल्स पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। फिर तभी वहाँ पर ईवा से मिलने मार आती है, जो उसे बताती है कि कल सुबह शहर के चौक पर सभी लोग जमा होकर कल्ट ऑफ लाइट के कारण मारे गए लोगों के लिए मौन रखेंगे, इसलिए उसे भी वहाँ पर आना चाहिए। तब ईवा उससे राहुल के बारे में पूछती है और कहती कि उसे मेरी तरफ से सॉरी कहना। वहीं दूसरी तरफ मार्कस को फादर की लाश मिलती है, जिसके बारे में वो तुरंत इंस्पेक्टर गुलिन को खबर करता है, और इसी दौरान सुरंग की खोज करने के लिए आए हुए कैप्टन आयरीना गुलेन से मिलते हैं और अगले दिन उस सुरंग के अंदर जाने के लिए कहते हैं। उधर सोफिया खराब मौसम में तेज बारिश के बीच में मानी से मिलने के लिए एक जगह आती है और उससे अपने माँ के बारे में पूछती है, पर मानी उसके मुंह पर एक काला कपड़ा डाल देता है और उसे अपने साथ सैमुअल और स्नोफ्लेक के पास ले आता है, जहाँ पर सैमुअल सोफिया को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है, जो उसे बताता है कि उसने दोनों बहनों को मिडसमर के पार्टी में जाते देखा था, लेकिन एलिना नहीं चाहती थी कि तुम दोनों वहां पर जाओ। फिर सोफिया उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है, पर सैमुअल अजीब बातें करने लगता है कि सुरंग की प्रकाश को पाने का एक रास्ता है, सच्चाई ने तुम्हें पुकारा है। और तभी वहां पर ब्लैंका आती है, जो कहती है कि उसकी माँ किंगडम में है और कल सब लोग सुरंग में जाकर खोजेंगे, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि एलिना वहां पर है ही नहीं। वो उसे बताती है कि मौत, दर्द, गुस्सा ये सब भी असली नहीं है। और तभी वहां पर सफेद बाल वाली लेडी आकर सोफिया को एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर हम रात में सोफिया को शेल्टर आते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ गुलेन सैंड्रा से आकर मिलता है और उसे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन लौटकर काम पे लगने का सुझाव देता है, और उसे ये भी खबर करता है कि चर्च के फादर की किसी ने हत्या कर दी है, जिसकी तुरंत
बाद ही सैंड्रा को उस बारे में कुछ कुछ याद आने लगता है, इसलिए वो गुलेन को ध्यान रखने का सुझाव देती है। अब अगले दिन कैप्टन आइरीना अपने साथियों के साथ खदान के अंदर जाते हैं, जहां पर सभी ने जहरीले गैस से बचने के लिए स्पेशल सूट पहना था। अब उनके सुरंग के अंदर जाने पर उन्हें वहां पर लोगों के कपड़े और जूते मिलते हैं, जिसके बाद गुलेन सोफिया और ईवा को खुशखबर देता है कि उसे उनके माता पिता के कपड़े या लाश वहां बरामद नहीं हुए। तब सोफिया को ब्लैंका की कही बात याद आती है। फिर गुलेन उन दोनों को ब्लैंका की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सोफिया भी उसे कहीं देखने से इनकार कर देती है। वहीं एस्टेला पुलिस स्टेशन में गुलेन को बताती है कि फादर शेल्टर में जाया करते थे और वहां पर वो भटके लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, जो वहां पर मानी से भी मिला करते थे। दूसरी तरफ शहर के चौक पर सभी लोग जमा होकर कल्ट ऑफ लाइट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और वहीं रास्ते में सोफिया चिस्को से मिलती है और उससे मदद की मांग करती है, पर चिस्को वहां से गुस्सा होकर चला जाता है, क्योंकि वो भी टीवी न्यूज के बातों में आकर उसी के माता पिता को जिम्मेदार मानने लगा था, क्योंकि उसकी माँ का भी अब तक पता नहीं चला। अब सोफिया को स्नोफेक मिलता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उधर चौक के सभा में ईवा भी आती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारने की कोशिश भी करते हैं, पर मार उसे सबसे बचा लेती है, क्योंकि वो मन ही मन उससे प्यार करती है पर बता नहीं सकती, क्योंकि इस छोटे शहर में ऐसे संबंध एक सिन माने जाते हैं। अब क्योंकि सोफिया और ईवा को शहर के लोगों से खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दिए जाते हैं। वहीं मार्कोस अपने साथी से बताता है कि उसने चर्च से कुछ सामान चुराया है, जिससे सब लोगों को फादर की मौत का कारण चोरी लगे, ना कि कल्ट ऑफ लाइट, नहीं तो शहर के लोग सिविल गार्ड का जीना मुश्किल कर देंगे। वहीं मार के पिता मार पर ईवा की मदद करने के लिए गुस्सा करते हैं और उसकी माँ सैंडेला उसे ईवा से दूर रहने के लिए कहती है। फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग लेडी आकर अपना बयान दर्ज करवाती है और एक स्केच बनवाती है, जिसे उसने फादर की मौत के दिन चर्च की तरफ जाते हुए देखा था, और तभी वहां पर सैंड्रा आ जाती है, जिसे देखते ही वो बुजुर्ग लेडी पहचान जाती है और फिर वो सबको खबर कर देती है। अब सैंड्रा रोते हुए गुलेन को रिवील कर देती है कि शायद वो बुजुर्ग लेडी सही कह रही है, हालांकि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। फिर गुलेन सैंड्रा को लेकर उसके घर पर आता है और वहां पर उसकी अलमारी में वही वाइन कप रखा मिलता है, जिससे फादर की हत्या की गई थी, इसलिए अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ अपने घर के बाहर सोफिया अपने गिरगिट के लिए कीड़ों को पकड़ रही होती है, और तभी वहां पर स्नोफ्लेक और सफेद बालों वाली लेडी आ जाते हैं और सोफिया को अगवा करके ब्लैंका के पास ले जाते हैं। अब होश में आने पर सोफिया उन पर गुस्सा करती है, पर तब ब्लैंका उसे भड़काती है कि कैसे लोग उसकी बहन से नफरत कर रहे हैं और कैसे चिस्को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार तुम दोनों को मान रहा है, जिसके बाद वो उसे 5 व्हेल के बारे में बताती है, और फिर वो लोग उसे पकड़कर अपने पास उला देते हैं, और फिर वो लोग एक मंत्र पढ़ते हुए उसके पेट के अंदर अपना पूरा हाथ डाल देती है, और अजीब बात की सोफिया को इससे दर्द भी नहीं होता, और वहीं ब्लैंका के गले से फिर से वही रोशनी चमकने लगती है, जिसके बाद वो सोफिया से कहती है कि उसके लिए अब प्रथम व्हील खोला जा चुका है, और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।